Be strong. हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि जो 26 को रीट का एग्ज़ाम लगा था, उसकी संभावित मेरिट लिस्ट कितनी रह सकती है। तो दोस्तों, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑन, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रीट का एग्ज़ाम 26 को लगा था, जो लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही दिन में थे और सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। दोस्तों, मैं आपको लेवल सेकंड के बारे में बताऊंगा कि इसकी संभावित मेरिट लिस्ट कितनी रह सकती है। तो दोस्तों, कैटेगरी सामान्य में जनरल में 123 से 126 के मध्य संभावित मेरिट रहने की उम्मीद है और शायद इतनी रह भी सकती है। और ओबीसी में 120 से 123 के मध्य है, और एससी में पुरुष के लिए 112 से 115 के मध्य है, और महिला में 110 से 113 के मध्य है। तो दोस्तों, सो ये संभावित मेरिट लिस्ट है जो इनके मध्य मतलब रह सकती है। और एसटी में पुरुष की 104 से 108 के मध्य रह सकती है, और महिला में 102 से 105 के मध्य रह सकती है एसटी में। तो दोस्तों, यह संभावित मेरिट लिस्ट है और इस हिसाब से ही मतलब मेरिट लिस्ट रह भी सकती है, और उससे एक दो ऊपर नीचे भी हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।